नमस्कार प्यारी भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू हेल्प में। उत्तर प्रदेश के सभी प्यारी जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हर प्यारी जवान को साल भर मिलेगी ड्यूटी। शासन की मंशा के अनुसार जिला अधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं कि जनपद के विभिन्न सरकारी विभागों में, अर्ध सरकारी संस्थाओं में प्यारी जवानों को अधिक से अधिक संख्या में ड्यूटी दी जाए। साथ ही बताया है कि जो अर्ध सरकारी संस्थान है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, उसकी जगह पर पीआरडी जवानों को तैनात करने के लिए पत्राचार भी किया जा रहा है। दोस्तों, आपको पता है कि 31 मार्च 2022 को जिन भी पीआरडी जवानों की थाना, ट्रैफिक या फिर अन्य जगहों पर दोस्तों ड्यूटी लगी थी, वह समाप्त हो चुकी है। इसके बारे में जो अपडेट है, सारी जानकारी इस वीडियो में डिटेल के साथ देने वाले हैं, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि हमारे इस चैनल पर आने वाले पीआरडी जवानों से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का और फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जाकर के दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो भी शासनादेश होते हैं, जो भी आदेश की कॉपी होती हैं, उसको हम अपने फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आज के पहली अपडेट की तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यह पत्र तो 31 मार्च 2022 का है, लेकिन आपको इसके बारे में बताना भी ज़रूरी था। कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी मुरादाबाद के द्वारा है पत्र जारी किया गया है, जिसमें समस्त क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी मुरादाबाद को जारी किया गया है। शायद अन्य जनपदों में भी इस प्रकार का पत्र जारी किया गया हो। अवगत कराना है कि पुलिस के सहयोगार्थ है तो जनपद में 19 थानों में 3-3 जवान और महिला थानों में 10 महिला पीआरडी के जवान, यातायात व्यवस्था है तो 50 पीआरडी के जवान महानिदेशक महोदय की स्वीकृति के उपरांत वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए लगाए गए थे। लेकिन दोस्तों, वित्तीय वर्ष 21-22 समाप्त होने के कारण इन जवानों की दोस्तों ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए जवानों की स्वीकृति मिलने के बाद दोस्तों इनकी ड्यूटी पुनः लगाई जाएगी। अगली जो दोस्तों अपडेट जो है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक पेपर की कटिंग हमें मिली है। इसमें दिया गया है कि पीआरडी जवानों की सेवाएं लें सरकारी संस्थान। ये जो अपडेट है उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद से निकल कर आ रही है। जनपद के विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी संस्थानों में पीआरडी जवान अधिक से अधिक संख्या में लगाए जाने के लिए जिला अधिकारी रविंदर कुमार के निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम ने लिखित आदेश जारी करके सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थानों में पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन की मंशा के अनुसार पीआरडी के जवानों को अधिक से अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। इस संबंध में जिला युवा कल्याण अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया है कि शासन से जो भी निर्देश मिले हैं, उसके तहत सभी सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की जगह पर पीआरडी जवान तैनात कराने के लिए पत्राचार भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पीआरडी जवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। शासन की मंशा के अनुसार जिला अधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं कि जो भी सरकारी विभाग हैं दोस्तों, है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पीआरडी जवानों को लगाएं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को ना लगाएं। और जो अर्ध सरकारी संस्थान हैं, उनको भी निर्देशित किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीआरडी जवानों को ड्यूटी दें, कोई भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ना लगाएं, उनकी जगह पर जो पीआरडी के जवान हैं उनको लगाया जाए। इसके लिए दोस्तों पत्राचार भी किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में पीआरडी जवानों को रेगुलर ड्यूटी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इस चैनल पर पीआरडी जवानों से जुड़ी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। आपको फिर से बताए दे रहे हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।